दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सभी लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों आज जो खबर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दयनीय है। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग को पता ही है कि मोदी जी ने आह्वान किया था 5 तारीख को घर की सभी लाइटों को बंद करके घर से बाहर निकल के दिए जलाने के लिए, मोमबत्ती जलाने के लिए, मोबाइल का फ्लैश जलाने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने इसका पालन भी किया। लेकिन एक घटना हुई है हरियाणा के पलवल ज़िले में जहाँ पे कुछ लोगों ने इसका पालन नहीं किया। उसका ये नतीजा रहा कि वहाँ के बहुत सारे बीजेपी समर्थक दबंगों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की, तोड़फोड़ की और बहुत सारा उनको फिजिकली उनको हरास किया गया, उनके घर में बहुत सारी तोड़फोड़ करके उनको हार्म किया गया। ये सारी घटनाएँ निकल के सामने आई हैं। तो इसके ज़रिए एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें लोग बता रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे दबंगों ने उनके घरों में घुसे और मारपीट किए, तोड़फोड़ किए, और उनकी ना तो प्रशासन सुन रहा है ना कोई सरकार सुन रही है, उन लोगों की कहीं पर सुनवाई कोई नहीं हो रही है। मौजूदा स्थिति में उन लोगों ने पुलिस वालों को भी कॉल किया, बुलाया, लेकिन वहाँ पे कोई भी उस समय पे नहीं आया। एम्बुलेंस की भी सुविधा उन लोगों को नहीं मिली, काफ़ी बुरी तरह से उन लोगों को पीटा गया और ये सारी चीज़ें वहाँ के प्रशासन की निगरानी में होता रहा। 2 दिन हो चुके हैं आज इस घटना को, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। वीडियो को मैंने देखा, उसकी छानबीन की, उसके बाद जब पता चला कि खबर पक्की है, खबर सच्ची है, तो हमने सोचा कि आप सब लोग के सामने इसको प्रस्तुत किया जाए। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में किस तरह से शासन व्यवस्था की बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई हैं। पुलिस प्रशासन केवल एक तरह से केवल दबंगों का हो चुका है, उन्हीं की बात सुन रहा है, उन्हीं के कारण वहाँ पर चल रहा है। जो लोग पीटे वो लोग भीम आदमी के समर्थक थे, दलित कैटेगरी में आते थे, यही आकाश लगाया जा रहा है। इस वजह से उन लोगों को पीटा गया वहाँ के दबंगों के द्वारा, जो कि वो सभी लोग बीजेपी समर्थक थे। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, क्या दिया जलाना उस दिन बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी था? क्या कोई वो कानूनी आह्वान था? ऐसा कुछ नहीं था, मोदी जी ने केवल एक रिक्वेस्ट की थी सभी लोगों को। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके घर में घुसा जाए, उसको पीटा जाए। अगर ये कानूनी भी होता तो ये कानूनी रूप से किया जा सकता था। वहाँ का पुलिस प्रशासन, ये लोग, उनकी जिम्मेदारी ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी कहीं से भी सही नहीं है कि वहाँ पे कुछ दबंग आएँ, उनके घर में घुसें, तोड़फोड़ करें, घर के सामान को तोड़ें, चीज़ों को तोड़ें, लोगों को मारें पीटें। ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। दोस्तों देखें आप ये छोटा सा वीडियो। साथियों, आज गांव पिंगोड़ में कुछ गुजरों ने लाइट के ऊपर इतना विवाद करा, जो आज मैं एक भीम आर्मी से गांव उपाध्यक्ष हूँ, मेरी घर की इतनी दुर्दशा करी आज गुजरों ने, इतनी करी है कि आज लाइट एक ये कह रहे हैं कि लाइट बुझाओ, और हमने ये कहा हम लाइट नहीं बुझाएंगे, और आज इन्होंने आज हमारे घर में आके हमको मारा। ये क्या संध्या है? ये SP, ये DC, ये नरेंद्र मोदी, ये क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? हमारे घरों को मारेगा तू? अगली जो खबर है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश से है। हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश बुलेटिन के जरिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हर खबर आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। वहाँ पे किस तरह से कानून व्यवस्था की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ चुकी हैं जब से योगी सरकार आई है। तो इस तरह से आप सब लोग इसको, इस खबर को भी इसी नज़रिए से देखिए, इस तरह से देखिए कि वहाँ पर किस तरह बीजेपी जो वहाँ के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उन लोगों का किस तरह से बोलबाला चल रहा है और किस तरह से वो लोग अपनी तानाशाही और मनमानी करने पर बिल्कुल आतुर हैं। तो जैसे कि यूपी बुलेटिन में मैं और हमारे साथी जो हैं, आप लोगों को बहुत तरह की खबरें दिखाए होंगे कि किस तरह से वहाँ पे जबरन लोगों को मारा पीटा जाता है और लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, महिलाओं के साथ महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, ये सारी घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसी सिलसिले में एक खबर और सामने आई है जो कि बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही शर्मनाक है, और इसको भी कहा जा सकता है कि ये एक तरह से सत्ता और प्रशासन की लड़ाई है वहाँ पे चल रही है।
खबर यह है दोस्तों कि कन्नौज जिले के सदर तहसील के तहसीलदार अरविंद कुमार को वहां के स्थानीय सांसद सुब्रत पाठक के द्वारा उनको पीटा गया, उनके घर में जाकर उनको पीटा गया। पूरा मसला ये था दोस्तों कि पहले कि वहाँ पे एक सूची वहाँ के सांसद द्वारा तहसीलदार को भेजी गई थी, कहा यह गया था कि इन सबको राशन वितरण करवाया जाए। सांसद जी ने फ़ोन करके उनसे पूछा कि इन लोगों के पास अभी राशन नहीं पहुँचा है, आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास राशन पहुँचाया जा रहा है, काम चल रहा है। इसके बाद ही वो फ़ोन पर उनको गाली देना शुरू कर दिए और धमकी दिए कि मैं आपको अभी रुको ऑफिस में, मैं आ रहा हूँ, अभी बताता हूँ। तहसीलदार घबराए हुए थे, उन्होंने DM से बात की, SDM से बात की, उन्होंने कहा कि आप अपने आवास पे चले जाइए। वो जब अपने आवास पे पहुँचे तो वहाँ पे सांसद जी वहाँ पे पहुँचे और उनको बुरी तरह से पीटा, उनको प्रताड़ित किया। कम से कम वो अपने 30 समर्थकों के साथ वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी दोस्तों, और इससे ये साफ पता चलता है कि किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की हालत बिल्कुल एकदम चरमरा गई है और कोई भी वहाँ पे शासन प्रशासन की जिम्मेदारी लेने वाला नहीं। तो दोस्तों इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सामने आया, उस वीडियो को आप लोग देखें जिसमें अरविंद कुमार खुद अपने साथ हुए ज्यादती का बयान कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग देखें। मोबाइल नंबर पर माननीय सांसद जी का फोन आया तो उन्होंने कहा कि हमने एक सूची भेजी थी परसों, तो उस पर राशन वितरण नहीं हुआ है। ये बताया कि वो सूची हमने नायब साहब को दी थी, नायब साहब चिन्हित करके सभी लोगों को राशन उपलब्ध करा रहे हैं। तो सांसद जी ने कहा किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया। तो मैंने कहा सांसद सुनो, नायब साहब सूची से वितरित किए हैं, अभी मैं 10 मिनट में आपको बता रहा हूँ कितने लाभार्थियों को उसमें से वितरित कर दिया गया है। जो बचेंगे उनको वितरित करा दिया जाएगा। इतना कहने के बाद सांसद जी जो है गाली देने लगे माँ बहन की। हमने कहा सांसद जी गाली मत दीजिए, कहे आ रहा हूँ मैं, गाली देते हुए कहे कि अभी मैं आ रहा हूँ, कहाँ बैठे हो, तहसील में आ रहा हूँ। मैंने ये DM साहब को, ADM साहब को, SDM साहब को बताया कि माननीय सांसद जी उनको गाली दे रहे हैं और धमकी दी है कि तहसील में आ रहा हूँ मारने। इसके बाद फिर जब बाद में पता चला कि वो आ रहे हैं तो मैंने SDM साहब से बात की कि साहब वो आ रहे हैं यहाँ पर। तो साहब ने कहा कि आप वहाँ हट जाइए। मैं आवास पर चला आया, फिर आवास पर सब लोग गेट खोल कर अंदर घुस गए। लगभग 30-35 की संख्या में थे माननीय सांसद, तो मेरा दरवाजा पीटने लगे। बच्ची पत्नी मेरी अंदर से रोने लगी, तो मैं डर गया कि कहीं अंदर न घुस गए लोग, मेरी पत्नी वगैरह साल पत्नी जी करें मारे। तो मैं दरवाजा खोल कर बाहर आ गया तो वही सांसद जी बैठे थे मेरी कुर्सी पर। बाहर मैं जब बैठता हूँ वहाँ सांसद जी, माननीय सांसद जी बैठे थे। मैंने तो सांसद जी ने कहा कि ये उन्होंने मेरी सूची वितरण क्यों नहीं किया। मेरा सर वितरित करा रहा हूँ, नायब साहब सूची वितरित करा रहे हैं। उन्होंने जो है मैं मोबाइल हाथ में लिया था, मोबाइल छीन लिए और 20-25 लोग थे और सांसद जी मुझे थप्पड़ से पीटने लगे। उनके साथ जो 20-25 लोग थे वो भी मुझे गिरा गिरा कर मारने लगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन और सत्ता के मध्य एक जंग चल रही है, एक लड़ाई चल रही है। सत्ता हमेशा लोगों का प्रतिनिधि होने के कारण वो प्रशासन पे काबिज होने की कोशिश करता है। साथ ही साथ बात ये भी है कि जो तहसीलदार थे अरविंद कुमार, वो एक दलित समुदाय से आते हैं और सुब्रत पाठक जो कि एक जनरल समुदाय से आते हैं, तो एक कहीं ना कहीं जातिवाद की भी बात यहाँ पे आ जाती है दोस्तों। तो इस वीडियो को साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ।